नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। टेम्परेचर का टॉर्चर हर किसी को सता रहा है। बात पहले महादेव की नगरी वाराणसी की कर लेते हैं, जहां पर मार्च महीने में ही भीषण गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। सुबह 7 बजे की धूप भी अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दोपहर में तो घर से निकलने से पहले लोग कई बार सोच रहे हैं। आज वाराणसी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह तापमान मार्च में 40 डिग्री को पार कर जाएगा। मार्च महीने में इतनी तेज गर्मी की शुरुआत हुई है, ये आगे और हालात खराब होने वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों में साल हर साल से ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। वाराणसी में गर्मी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। मार्च में ही 39 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है और ऐसे में जो काशी के लोग हैं वो बेहाल नजर आते हैं। जूस हो चाहे और भी तमाम जो लिक्विड पदार्थ हैं, वहां पे लोगों की भीड़ हो रही है और तमाम ऐसे लोग हैं जो गर्मी से बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मार्केट में एसी, कूलर और फ्रिज की भी डिमांड बढ़ चुकी है, उनके रेट भी काफी हाई है और उनकी शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। और ये स्थिति तब है जब मार्च अभी आधा बीता ही है, अभी अप्रैल का महीना बाकी है और मई का महीना बाकी है जब लू चलती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी ये चेतावनी जारी कर दी है कि बनारस के जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं वहां पे मार्च में ही लू जैसी स्थिति हो जाएगी, लू चलने लगेगी। इसको लेकर तमाम जो इंतजाम हैं उसको प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुट गया है। अब देखना ये होगा कि गर्मी के इस बढ़ते प्रकोप के चलते जो बीमारियां पनपेंगी उसे रोकने में किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। वाराणसी से अमित गुप्ता के साथ जयपाल, जी मीडिया। तो मार्च के महीने में ही गर्मी का एहसास कुछ इस तरह का हो रहा है मानो जैसे मई जून का महीना आ गया हो। तापमान देखा जाए तो जो दर्ज किया जा रहा है वो 36 से 37 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि अनुमानित मार्च के महीने के हिसाब से 6 से 7 डिग्री ज्यादा है। और मौसम विज्ञान विभाग यह अनुमान जता रहा है, अंदेशा जता रहा है कि यह तापमान मार्च का अंत आते आते 40 भी पहुंच सकता है। वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे अभी और वाराणसी से रिपोर्ट भी आपने देखी कि 39 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में मार्च का अंत आते आते ये 40 भी पार कर जाएगा। और अमूमन 40 का जो तापमान देखा जाता है वो जून के महीने में देखा जाता है जब चिलचिलाती लू चल रही होती है। और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे अपने घर से तो जैसे लू के थपेड़े लग रहे हों। हालात खराब हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि अभी से गर्मी का सितम बेहद ज्यादा है। अंकित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं वाराणसी से। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है जो लोगों को सता रही है, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? क्या दोपहर में आवाजाही लोगों की वैसी ही है जैसी हमेशा रहती है? देखिए, दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में हालात ये है कि मौसम की तपिश से कहीं ना कहीं पृथ्वी भी अब त्राहिमाम करने लगी है। तापमान जो है 48 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच चुका है। अमूमन मार्च में ऐसी स्थिति नहीं होती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगा कि तस्वीरें दिखाएं रोड की। ये देखिए, राजधानी दिल्ली का नज़ारा है और आपकी नज़र जहाँ तक यहाँ पर जाएगी इसी तरीके से पूरी सड़क खाली नजर आएगी। और अभी दोपहर के शाम अगर कहें तो 3:30 बज रहे हैं और इस समय ये हालात हैं कि यहाँ पूरी तरीके से अभी जो रास्ता है वो खाली हो चुका है, क्योंकि जो बाशिंदे हैं वो अपने घरों में छिपे हुए हैं और लगातार कोशिश वो भी ये कर रहे हैं कि हम शाम होगी तभी निकल पाएंगे। अमूमन ऐसी स्थिति आपको जून के महीने में देखने को मिलती है, मई के आखिरी और जून के शुरुआती महीनों में देखने को मिलती है। लेकिन अभी से ही मार्च में जब ये गर्मी इतनी बढ़ रही है तो आगे चल करके हालात और ख़राब होंगे। मौसम वैज्ञानिक भी इस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस साल गर्मी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं देशवासियों को सताने वाला है, और न केवल सताएगा बल्कि प्यास भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ तड़प को भी और बढ़ा देगा, क्योंकि जिस तरीके से तापमान है ऐसे में ग्लूकोज और कहीं ना कहीं प्रोटीन और इम्यूनिटी की सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है, खासतौर पर बच्चों में और एक उम्र के बाद उम्र दराज लोगों में इन चीज़ों की कमी होती है। अगर जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको पानी की बोतल के साथ साथ ग्लूकोज की कमी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो लोग भी अपने लिए खासा इंतजाम करते हैं। लेकिन सड़कें इस समय वीरान हो जाती हैं, दोपहर का समय है और सड़कों पर देखिए सिर्फ आपको गाड़ियाँ
इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आएंगी, यानी कार एक दो ही नजर आएंगी। बाइक सवार भी यहाँ पर बहुत अपने आप को लूक से बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लूक बहती है राजधानी दिल्ली और NCR के इलाकों में, ये मैदानी इलाका है और यहाँ पर हर मौसम अपना चरम पर होता है। चाहे बरसात की बात हो तो बरसात भी अपने चरम पर होती है, या फिर समर की बात हो यानी अभी ग्रीष्मकालीन समय की बात हो तो इसमें भी ये भी अपने चरम पर होता है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। इसीलिए आपको बाइक सवार भी अगर दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर तो रास्ते में वो भी अपना मुंह ढके हुए हैं, क्योंकि लू चलने लगी है और अब लू के थपेड़ों से कहीं ना कहीं राजधानी से बचाव बेहद जरूरी भी है, अंकित, अन्यथा वे बीमार पड़ जाएंगे, इसका असर स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग जिस तरीके से अंदेशा जता रहा है अंकित की मार्च के अंत तक तापमान 40 भी जा सकता है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्या आपकी कोई बातचीत हुई विभाग में किसी अधिकारी से? देखिए साफ तौर पर मौसम वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के कोट कर रहे हैं कि इस साल पिछली बार के मुकाबले गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। पिछली बार भी गर्मी पड़ी थी, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी तापमान 58 डिग्री तक पहुंचा था, लेकिन वो तब पहुंचा था यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मी बेहद ज्यादा पड़ने वाली है। अंकित लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ कि किस तरीके से सड़कें सुनसान नजर आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी का सितम कुछ उस तरीके का है कि लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं और जो लोग बाहर है भी खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ देश के ज्यादातर राज्यों में तेजी से पारा चढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के विदर्भ के कई जिलों के साथ साथ गुजरात में भी तापमान कई रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मार्च में मई जून वाली गर्मी का एहसास लोगों को अभी से परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश में भी गर्मी का असर नजर आने लगा है। राजधानी भोपाल समेत कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। होशंगाबाद, खरगोन, रतलाम, उज्जैन समेत कई जिलों में लू के थपेड़ों से लोग परेशान होने लगे हैं। भोपाल में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल ऐसा ही मौसम रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश में बड़े हुए हैं, उन इलाकों में अभी भी तापमान लगभग 40 से 42 डिग्री के आसपास रहेंगे। और लू की स्थिति की अगर बात करें तो रतलाम, उज्जैन और होशंगाबाद संभाग और खरगोन, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर लू का प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। और बढ़ती तपिश से बचने के लिए लोग तमाम उपाय भी शुरू कर चुके हैं। ठंडे पानी के लिए मटकों की डिमांड में भी इजाफा होने लगा है। बिल्कुल डिमांड है, हल्की हल्की डिमांड है, 20% डिमांड है, अभी 80% बाकी है। अभी इंसान होली के बाद ही मटका खरीदता है वैसे खाए गए, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे टेम्परेचर अब बढ़ रहा है तो आ रहा है, जैसे फिर माहौल भी बढ़ता जा रहा है मटकों का, लोग आ रहे हैं। कैसे मटकों की डिमांड ज्यादा है? अभी तो 50% नहीं है आजकल, लोग बोलते हैं फ्रिज का पानी पियेंगे, मटके का नहीं पी रहे हैं, ये रहता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम में देसी चीज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की मिट्टी से आप जुड़े भी रहेंगे और आपको देसी ठंडक भी मिलती रहेगी। और परिवार के अंदर हमें चूंकि हम लोगों का हमारी परंपराएं AC और फ्रिज के ऊपर में नहीं टिकी हुई, वही इस चीज के ऊपर में टिकी हुई है, तो घर वालों ने बहुत ज्यादा प्रेशर करा कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, यही मटके का पानी पीना है। गुजरात में भी मार्च में गर्मी का असर नजर आने लगा है। कई इलाकों में पारा 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के हिस्सों में हीट वेव का असर है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में गर्मी का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है, मानो यहाँ सूरज आग गुलने लगा है। विदर्भ के चंद्रपुर में पारा 43.4 डिग्री तक जा पहुंचा है, अकोला में 42.7, वर्धा में 41.4, अमरावती 41.4, नागपुर 40 डिग्री और बुलढाणा में 39.8 डिग्री सेल्सियस है। मई जून की गर्मी का एहसास मार्च में ही होने लगा है। ऐसे हालात में खुद को गर्मी से बचाने के लिए आप उन तमाम उपायों का ध्यान रखें जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अभी तो ये महज गर्मी की शुरुआत ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।